नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कथा कुंज में। तो आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो उषा किरण खान द्वारा लिखी गई है, जिसका शीर्षक है पाथर नाम। तो आइए शुरू करते हैं। वातावरण धूसर उजास में सना हुआ था। सारा छप्पर लौकी की लतरों से ढका था। एक आध मुड़ी छप्पर की ओरियानी में मंदिर की ओर सड़क आए थे। गोल गोल झल्ले खड़पात में लिपट कर गुंजलक फंस चुके थे। झूलते हुए लतर नीम अंधेरे में डरावने लग रहे थे। लग रहा था कई कई सुगवा सांप लहर रहे हैं। कलबतिया अपना पेट पकड़े हौले हौले करा रही थी। दांत भीचे थी, आवाज़ हो जाने पर कहीं बच्चे ना जाग जाएं। माँ को तकलीफ में देख उसकी बेटी से जनिया घबरा जाती है, जोर जोर से रोने लगती है। अधोका हुई अभी तक बेअकल है, बेटा सब मुलुर मुलुर ताकता रहता है। तब कलबतिया दर्द से अधिक ग्लानि में डूबती चली जाती है। इन बिना बाप के बच्चों की माँ भी और बाप भी बनने का दम भरने वाली कलबतिया कहाँ मर गई थी। यह कौन सा नया दुख सिरज लाई। बच्चों के उदास मुख को देख अपने को कोसने लगती है मन ही मन। क्या हो गया था उसे। नदियों के जाल से बिछे इस अंचल की सभी सूखी नदी में जैसे बाढ़ आ जाती है, वैसे ही बेमंत होकर उमड़ उठी थी। सारा दुख आतंक भूल कर दुर्दिन का कष्ट विस्मृत कर उठी थी। सिर जानिया का बाप परदेश में ही गुजर गया था। तेरी कर कलबतिया फेटा कस उठ खड़ी हुई थी। वैसे वह पहले भी कम परिश्रमी नहीं थी, पर अब तो बाहरी कमाई का भी आसरा जाता रहा था। सिर जानिया का बाप थोड़ी मकई बोकर परदेश गया था। फसल पक कर तैयार थी। खेत कटाते हुए मालिक ने कह दिया था कि इस फसल के बाद खेत छोड़ना पड़ेगा। कलबतिया कलप गई थी। हो मालिक बाबू, जुलम ना करो, हम खेती करेंगे बाल बच्चे सहित मिलकर। तू कैसे करेगी, हल जोतेगी, कमाल करती है। नहीं सरकार, किसी से जुतवा लेंगे, बदले में देह से खट देंगे। कलावती रोने रोने को हो आई थी। जो बही चुप हो, पहले खेत का फसल तो तैयार कर। जान प्राण लगाकर मकई काटना, भुट्टे तोड़ना और छीलना समाप्त किया। दूसरे मजदूरों की तरह लाठी लेकर भुट्टे पीट कर दाने भी निकाल लिए। सभी इसे मर्दों की तरह परिश्रम करते देख दांतों तले उंगली दबाते। कलबतिया ने मालिक को प्रसन्न कर लिया था। उसे खेत मिल गया था बटाई करने के लिए, लेकिन मकई की जितनी अच्छी फसल हुई थी धान की उतनी ही चौपट हुई। पानी बरसा नहीं, खेत पीला पड़ गया था। ऐसे समय में कलबतिया और उस रेड़ी के मजदूर अपने गांव जवार से दूर धार काटने निकल पड़ते। मजदूरी से काफ़ी अनाज इकट्ठा कर लेते। सारा गांव प्रायः एक साथ ही निकलता। दूर अनजान स्थान पर एक दूसरे का सहारा रहता। कलबतिया गांव से बाहर जाने के लिए मन से तैयार थी। उस दिन वह हाट पर आवश्यक सामान खरीदने गई थी। खरीद कर लौट रही थी, छोटा बच्चा साथ था। वह अचानक रोने लगा। वह चाहता था कि माँ उसे गोद में ले ले, लेकिन माँ के सिर पर सामान का बोझा था। वह झुंझला रही थी, तभी पीछे से एक स्वर आया, आओ बेटे मेरी गोद में आओ। बच्चा चुप होकर उसकी ओर देखने लगा। कलबतिया भी चौंक उठी। उसे अचानक घोर आश्चर्य हुआ, बरसों बाद यह स्वर किधर से आया। वह असहज हो उठी। मुड़कर देखा तो संदेह सही लगा। उसके सामने मुस्कुराता हुआ सिरदेव ही खड़ा था, कोई स्वप्न नहीं था। आओ दो पल यहाँ बैठ लें, कहकर सिरदेव वहीं धूप पर बैठ गया। बच्चे को अपनी ओर खींच लिया। कलबतिया के शरीर में कहीं जान ही ना बची थी, वह सुन्न सी बैठ गई। लो बेटे लो, जलेबी खाओ, हाट पर से अभी अभी गर्म जलेबी तुलवाई है। सिरदेव ने दोना आगे बढ़ाते ही भूखे बच्चे ने लपक लिया। हाट पर वह कितना ललच ललच कर देख रहा था, रोया था, लेकिन कलबतिया ने उसे बुरी तरह डांट दिया था। तब से बच्चा ठुनक रहा था। कलबतिया चुप थी, पैर के अंगूठे से धरती कोड़ रही थी। ऊपर से शांत थी, पर भीतर से समुद्र के ज्वार सा झंझकार मचा था। यह कहाँ से आया है, क्यों आया है, अचानक टपक पड़ा था। इसे देखकर तो रोम रोम घड़ा से जल जाना चाहिए था, ऐसा क्यों नहीं लग रहा है। सुना है तुम्हारी तरफ धान नहीं हुआ है, देख भी रहा हूँ खेत पीला पड़ा हुआ है। सिरदेव ने ही मौन भंग किया। पीला तो कार्तिक में सबके खेत हो जाते हैं, नहीं तो फसल कैसे पके। कलबतिया के स्वर आक्रोश से भरे थे। पीला होना भी तो अलग अलग तरह का होता है। फसल वाला खेत भरी पूरी औरत की तरह सुनहला हो जाता है पीला खेत। चुप रहो, मैं सब समझती हूँ, बात काट कर कलबतिया उठ गई।
सिरदेव मुस्कुराता सा देखता रहा। जरा भी नहीं बदली है, जैसे 10 साल पहले देखा था वैसे ही कसी हुई देह काले पत्थर से, तेज आवाज और सीने को पार कर जाने वाली चमकीली काली आँखें। चल बबुआ, कलबतिया बच्चे का हाथ पकड़कर आगे बढ़ने लगी। बच्चा उठ गया, बची हुई जलेबी को मुंह में ठूस लिया, दोना फेंक माँ की साड़ी से हाथ पोछने आगे बढ़ा। हाँ हाँ जरा आगे चल, पानी है हाथ धो लेना, कलबतिया बरगने लगी बच्चे को। आ बेटे, बच्चे के हाथ को सिरदेव ने अपने लाल गमछे से पोंछ दिया और गोद में उठा लिया। मुस्कुराती आंखों से सिरदेव कलबतिया को देखने लगा। जरा भी नहीं बदली लबरी साड़ी और सफैयत, अब इसे उतार दो, हमें जाना है, मैं साथ चलता हूँ। सिरदेव ने दूसरे हाथ से गठरी उठाकर सिर पर ले लिया। तुम निकले कहाँ के लिए थे? तुम्हारे यहाँ आने के लिए। क्या? उसकी आंखों में अविश्वास का सागर लहरा रहा था। सच, हमारे यहाँ बहुत अच्छी फसल है, मालकिन ने धन कटनी के लिए मजदूर लाने भेजा है। इधर धान नहीं देखा, फिर सुना तुम पर भी विपत पड़ी है। मेरे विपत से तुम्हें क्या? हाँ मुझे क्या, जो कहना है कह लो। तब तक वह घर के पास आ गया था। सिरजनिया दिया बाती कर खाट पर लेटी कोई गीत गुनगुना रही थी। सिरदेव ने देखा भीत का घर पीली चिकनी मिट्टी से पुता हुआ था। गेरू के काच बिरिछ नाग पंचमी में लिखे गोबर के पनिधर पिठार सिंदूर के ठप्पे सभी ऐसे चमक रहे थे जैसे टटके हों। आले में दिया जल रहा था। सिरजनिया अकचका कर उसे देख रही थी। देख क्या रही है? पानी ले आ, पैर धोएंगे। सिरजनिया दौड़कर घैला से पानी ढरका लाई लोटे में। सिरदेव ने पैर पसार लिए। कलावती ने भी अपने पैरों पर थोड़ा पानी गिराया और उसारे पर जाकर बैठी। सिरदेव खार पर बैठकर सिरजनिया को गोद में खींचने लगा। यह तुम्हारी गोद वाली बेटी है ना? उसने झिझकते हुए पूछा। नहीं, वह तो एक मास बाद ही चल बसी। कलावती का मुँह तीखा हो आया। यहाँ आकर यह पूछ रहा है कि वह उसी की जन्मी हुई बेटी है? उस समय घर से निकलते वक्त बेटी नहीं सूझी थी? तब तो उस सफ़ेद चमड़ी वाली राड पर लट्टू हो गया था, मुझे दूसरी बीवी की दाई बनाकर रखना चाहता था। छी, अपने मन को काबू में कर सिरजनिया ने उसे चूल्हा जलाने को कहा। क्यों करती हो यह सब? मैं खा कर आया हूँ। हमें भी खाना है ना? कलावती ने कहा। तब ठीक है, नहीं तो कुछ चबेना वगैरह चल जाएगा। माँ सत्तू रखा है, सिरजन उत्साहित होकर कहती है। खा पी कर बच्चे सो गए। तब सिरदेव ने पूछा, क्या विचार है? हम लोग दक्षिण धान काटने जा रहे हैं। कब? कल ही। तुम दक्षिण क्यों जाओगी? अपनी मालकिन से ज़्यादा कोई आंटी मुट्ठी देगा क्या? वहीं चली चलो, हवेली में जगह मिल जाएगी। तुम्हारी गोरी मेम बर्दाश्त कैसे करेगी? कलावती को हंसी आ गई। वह तुम्हें पलकों पर बिठाएगी, बेचारी बीमार रहती है। वह बेचारी है, तुम बुरा ना मानो, जब से तुम्हारा दिन अधिन हुआ है कम से कम 10 बार उसने मुझसे खोज खबर लाने को कहा है। जबान की बुरी है, दिल की नहीं। तो उसी का दिल टटोलो, मैं कमा खा रही हूँ, यहाँ क्यों आए हो? अरे तुम तो नाहक बिगड़ गई, मैं यूं ही नहीं जाऊँगा, मालकिन ने भी तुम्हें लेकर आने को कहा था। सिरदेव जानता था मालकिन के नाम पर कलावती तैयार हो जाएगी। मालकिन तो अब सुखी होंगी, बेटे सब बड़े हो गए होंगे, बहुएँ आ गई होंगी। बबुनी जी के कितने बच्चे हैं? एक सांस में कलावती इतना कुछ पूछ गई। आहा, मालकिन तो हीरा थी, ईश्वर ने कैसा जवानी में डाका डाला उनके सौभाग्य पर। मालिक होते तो कलावती के सिर पर कभी गोरी सौंफ आकर नहीं बैठती, अगर बैठती भी तो कलावती को सगाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वह हवेली में दिन गुजार देती। अनायास कलावती की आँखें भी भर आईं। मैं मालकिन के पास ज़रूर जाऊँगी, वही पल उसने कहा। कपड़ा बोरम बोर हुआ जा रहा था, शोड़ित से दर्द से बेतरह टूटी जा रही थी कलबतिया। हाय माँ, हाय देवी मालकिन, मैंने देह के कारण तुम्हारी बात अनसुनी कर दी, लालच में पड़ गई, भुगत रही हूँ। दांत भीचे छटपटा रही थी कलबतिया। धन कटनी खत्म हो गई थी। कलबतिया को यह देखकर सचमुच आश्चर्य होता है कि सिरदेव की गोरी समदाही बीवी सुहागी उसे अपनी बड़ी बहन की तरह आदर देती थी। उसे आश्चर्य होता कि कैसे झुरकुस्सी बुढ़िया की तरह हो गई है वह, हर दम हाँफती रहती। उस दिन बोझा ढोते ढोते देर हो गई थी, अंतिम बोझा बाकी था। तब सिरदेव ने कहा, थोड़ी देर सुस्ता ले। बीड़ी सुलगा कर एक कश लिया और कलावती की ओर बढ़ा दिया। दूर पर बैठकर कलावती बीड़ी पीने लगी। धन लौनी के बाद मैं मालकिन से छुट्टी लेकर कहीं चला जाऊँगा, सिरदेव ने कहा। कहाँ जाओगे?
मेरा मन नहीं लगता, दिन भर बीवी की खाएं खाएं सुनते रहो, इससे तो अच्छा कहीं साधु सन्यासी हो जाएं। ऐसा क्यों बोलते हो, मर्दों की जात ही ऐसी ओछी होती है, छः छः सोने जैसे बच्चे पैदा कर दिए उसने, अब शरीर गिरा है तो शरीर गिरने की भली रही, तुम भी तो हो उसी उम्र की, मेरी छोड़ो, तुम्हारी क्यों छोड़ूँ, तुम तो मेरी व्याहता हो। हूँ नहीं थी, अब मैं दूसरों के बच्चे की माँ हूँ, तुम मेरे ऊपर ममता नहीं आती, कैसी ममता, यही मैं उनके बीमार शरीर के लिए क्यों राख हूँ, मेरी समझ में तुम्हारी यह बात नहीं आ रही, चलो उठाओ बोझा। कलावती बीड़ी की ठूट फेंक कर उठ खड़ी हो जाती है, वह अंदर ही अंदर पिघलने लगती है, धन कटनी हो गई, दौनी दमाही होकर अनाज बखारी में रखा गया, कलावती अपने दोनों बच्चों के साथ मालकिन के पास रह गई थी, मूंग तैयार होने का मौसम आ गया था, गांव के आसपास कोई डॉक्टर तो था नहीं, मालकिन शहर जा रही थी, छोटी बहू अकेली घर में थी, कलावती को समझा कर मालकिन शहर जाने को तैयार हुई थी, आज वह स्वर कलावती के कानों में घंटे की तरह बज रहा था, सीधे पड़ रहा था, मानो वे खड़ी कह रही हैं, माया जंजाल होता है, किसी मोह में ना फंसना, सिरदेव बड़ा लल्लू चप्पू कर रहा है, उससे दूर रहना, उसे तुमसे कोई ममता नहीं है, समझी। हाय मालकिन, आप आगम जानी हैं, मैं कहाँ फंस गई थी, उनके जाने के बाद ही बाढ़ आ गई थी, नदी के पार सिरदेव का घर था, रात को भी वह हवेली में सोने लगा था, उस दिन जब उसे खाना देकर लौट रही थी दालान पर से, उसने कातर होकर कहा था, थोड़ा सरसों का तेल दे जाना, पानी लग गया है पैरों में, लगा कर सेकूँगा तो आराम होगा। तेल लेकर गई थी कलावती, लाओ मैं लगा दूँ, सिरदेव ने मुस्कुरा कर पैर आगे कर दिए थे, काले पत्थर की घाटियों में भटकती आत्मा को मानो ठौर मिल गई। कलवतिया बरसों बाद अपने प्रियतम से मिलकर तृप्त हुई थी, दूसरा विवाह तो किया था जरूर, तन मन प्यासा ही रहा, अपने सख्त स्वभाव के कारण कहीं धड़की नहीं थी, बाद में पछताते मन को एक ही सांत्वना थी, यह तो मेरा पहला ब्याहता है और अब मैं दूसरे पति की विधवा हूँ, मुझे एक मर्द तो चाहिए, इससे बढ़कर अपना कौन होगा। सुनो, मेरे पैर भारी हो गए हैं, तुम मेरा पंचों के सामने हाथ पकड़ लो, एक दिन कलवतिया ने शर्माते हुए सिरदेव से कहा। क्या, नहीं नहीं, ऐसा कैसे होगा, मेरा बेटा बड़ा हुआ, बेटी की शादी हुई, लोग क्या कहेंगे। सिरदेव घबरा गया, कायर और मेरे साथ ऐसा कर रहे हो तो लोग क्या कहेंगे, जानते हो मैं गर्भ से हूँ, तुम्हारे लिए यह कुछ नहीं, मैं दवा ले देता हूँ दगड़िन से, तुम्हें लाने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसी वैसी नहीं हूँ, तुम्हारे बहकावे में पड़कर मूर्ख हो गई थी, झटके से उठकर चली आई कलवतिया, यह बात किसी से कहने लायक भी तो नहीं है, मालकिन गांव में है नहीं, क्या करें, कैसे यहाँ से जाएं, फिर भी उसने कठोर निर्णय लिया, वह पहले ही चली जाएगी, मालकिन को अपना काला मुँह नहीं दिखाएगी, छोटी बहू के पास रहने को सिरदेव की बीवी को कहना ही पड़ेगा, तभी जा सकेगी, मालकिन उस पर भरोसा कर गई थी। किसी प्रकार अपना जी कड़ा कर वह सिरदेव के घर की ओर गई, सुहागी से अपने गांव जाने का निर्णय सुनाने, घर के कोने पर पहुंची कि सिरदेव और सुहागी की आवाज़ सुनाई देने लगी, एक मन हुआ लौट जाए, फिर सिरजनिया माई सुनकर रुक गई, तुम बड़े मूर्ख हो, उसे रख लो, सिंदूर दे दो, लोग क्या कहेंगे, कुछ नहीं तो कितनी कमासूत है, दो ही बच्चे हैं, बेटी ब्याही है, गौना करके ससुराल चली जाएगी, बेटे को नौकरी धरा देना, हमसे कुछ सपरना है, सुहागी समझा रही थी सिरदेव को, लेकिन गर्भ से जो है तो जन्मेगा ही, शंका की सिरदेव ने, सिंदूर देने के बाद चालाकी से गिरवा देंगे, सोन चिरैया है, वह हाथ से चली जाएगी, रहेगी तो घर लगा देगी, तुम कहती तो ठीक हो, सिरदेव निशंक हो गया था, कोने से सीधे लौट गई कलावती, एक पल भी नहीं रहेगी यहाँ, किसी को मुंह तक नहीं दिखाएगी, अभागी चली थी ब्याहता बनने, अपने मन पर सिल्ले नहीं खिसकाई, जरा सी कि सारा पर्वत ही हरहरा कर गिर गया, कहीं की ना रही, सारी उटली पुटली छोड़ उजड़ी सी हालत में बेटी बेटे को लेकर चली आई, जड़ी बूटी तो दगड़िन से ले ही आई थी, काले पत्थर की काया वाली कलवतिया तन से ज़्यादा मन से घायल हैं, आग के गोले सा कुछ फिसला जांघों के बीच से, पेट हल्का हो आया, बेमौसम बाढ़ आई, नदी का जल मानो सूख गया हो, अपने साथ लाए काट कूट छोड़ कर चला गया हो, ऐसी वो आई देह लेकर, थोड़ी देर निश्चेत पड़ी रही, फिर खाट का पौआ पकड़ उठ खड़ी हुई, कपड़े बदलने, ढिबरी की पीली रोशनी दोनों बच्चों पर पड़ रही थी, आह मेरे बच्चे,
मैं तुम्हारी माँ भी हूँ, बाप भी। अपने काले पत्थर से तन को उसने काले मन से टकरा कर लहूलुहान कर दिया था। मुझे क्षमा करना, हल्की होकर पेबतिया धीमे धीमे बाहर आई और फूट रही थी। धान के पौधे लहरा रहे थे। अब की यहाँ भी फसल अच्छी है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और अन्य कहानियाँ सुनने के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल से।